नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस है वो मैं कैसे करता हूं और वो एक्सेल शीट में कैसे प्रिपेयर करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ओपन इंटरेस्ट के बारे में, जिसके अंदर मैंने ओपन इंटरेस्ट के बारे में जो अपना एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर किया था। तो ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी दर्शकों ने मुझसे पूछा कि आप हमें बताइए कि ये शीट हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप ये जो डेटा पॉइंट्स यहाँ पे बता रहे हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आप कैसे पुल आउट करते हैं। तो हमें कृपया विस्तार से बताइए कि ये एनालिसिस के लिए आप शीट कैसे बनाते हैं, जो आपकी एक्सेल शीट है उसको आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इस आज के वीडियो में दोस्तों, मैं आपको ये प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि ये एक्सेल शीट मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ, और मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करूँगा कि कहाँ से मैं ये शीट डाउनलोड करता हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट nitinbhatia.in पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं कि यूज़फुल इन्फो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लिंक्स करके सेक्शन मैंने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे मैं यूट्यूब वीडियोज़ में जिन भी इम्पॉर्टेंट लिंक्स की चर्चा करता हूँ, तो उन लिंक्स को मैं इस सेक्शन के अंदर जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 8वें नंबर का लिंक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने ये ओपन इंटरेस्ट करके यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो बेसिकली ये जो भी डेटा पॉइंट्स यहाँ पर 8वें नंबर के पॉइंट में आपको दिख रहे हैं, उन सब के लिए एक ही शीट है। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी एनएससी की, और यहाँ पे आपको जो ये ऊपर तीन टैब्स दिखाई देंगे, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स और डेप्थ मार्केट। तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स पे जाना है, और जिस भाव कॉपी की मैं बात कर रहा था दोस्तों, यहाँ पे ये डेली रिपोर्ट के अंदर आप ये भाव कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आप अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। तो कुछ दर्शकों ने मुझसे पूछा कि क्या ये हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल रहता है इस भाव कॉपी का, तो दोस्तों वो भी अवेलेबल रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आर्काइव्स के अंदर ऑल हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ आप सेलेक्ट रिपोर्ट के अंदर भाव कॉपी को क्लिक करिए, और अब आप जाके डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी डेट की भाव कॉपी आपको डाउनलोड करनी है। तो आप जो ये डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा भी बहुत आसानी से इस वेबसाइट के ऊपर जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों, जब हम ये भाव कॉपी ओपन करेंगे तो वो इस तरह से कुछ आपको एक एक्सेल शीट दिखाई देगी। तो ये मैंने जैसे कि आज की भाव कॉपी डाउनलोड किया, तो आपको यहाँ पे डेट दिखाई देगी कि किस डेट की जो है भाव कॉपी है। अब यहाँ पे दोस्तों, मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे इस सेल के अंदर जो A1 सेल है, वहाँ पे जाके उसके बाद आप यहाँ डेटा के अंदर जाके इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा लीजिए। तो फिल्टर लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये जो FUTST की है इसको छोड़ के आप बाकी सबको सेलेक्टेड रहने दीजिए। तो इसको ओके पे क्लिक करिए। अब आपको क्या करना है कि जो भी अब ये आपके रोज़ रह गई हैं उनको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का बटन दबा के, ये लगभग आपकी 41,978 रोज़ हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत वो मैं आपको एक आने वाले वीडियो में बताऊंगा, पर आपको इनको ये डिलीट करना है। तो यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट रो पे आप क्लिक करेंगे तो वो सारी रोज़ जो आपकी डिलीट हो जाएंगी। तो अब आप यहाँ फिल्टर के साथ एक क्लियर का बटन है, आप उसको दबाइए, उसके बाद आपकी जो बाकी की जो रोज़ बच गई हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमें एक्सपायरी के ऊपर क्लिक करना है, जो ये फ़िल्टर का ये जो एरर यहाँ पर बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी एक्सपायरी का डेटा यहाँ पर, जिस मंथ की एक्सपायरी का डेटा अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2017, जनवरी 2018 और फेब 2018, इन 3 महीनों की जो एक्सपायरी का डेटा यहाँ पे इस शीट में अवेलेबल है। लेकिन मैं जो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करता हूँ वो जो नेक्स्ट इमीडिएट एक्सपायरी होती है, तो जैसे हम दिसंबर 2017 में हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ दिसंबर 2017 के डेटा को रेफ़र करता हूँ। तो यहाँ पर आपको फिर दिसंबर 2017 को अनसेलेक्ट करना है, और बाकी दो को आप सेलेक्टेड रहने दीजिए, क्योंकि हमें ये डेटा डिलीट करना है जनवरी और फेब का। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर जैसे हमने पहले रोज़ डिलीट करी, थर्ड रो जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आप उस पर क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का बटन दबाइए, और यहाँ पे कहीं पे भी आप राइट क्लिक करिए, डिलीट रो करिए, तो आपकी जो बाकी सारी रोज़ जो हैं जो हमें नहीं चाहिए जनवरी और फेब मंथ की, वो सब डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप फिर फिल्टर के बाजू में जो ये क्लियर का ऑप्शन है इसको क्लिक करिए। अब दोस्तों, जो डेटा हमें चाहिए अब वही डेटा आपके एक्सेल शीट के ऊपर रह गया, यहाँ पर आप फिल्टर को रिमूव कर दीजिए।
हमें अब यहाँ पे कुछ कॉलम्स जो हैं वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद अगर आप किसी भी कॉलम के ऊपर इस तरह से क्लिक करेंगे तो जो आपके बाकी सारे कॉलम्स हैं वो पूरा डेटा आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जो जो कॉलम्स की हमें ज़रूरत नहीं है उनको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ए कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद हमें इस डेटा की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स जिसकी मैं चर्चा कर रहा था अपने वीडियो के अंदर, के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये वॉल्यूम होता है वो ये वाला कॉलम है दोस्तों। उसके बाद इन दो कॉलम्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है तो इनको भी हम डिलीट कर देंगे, और ये जो लास्ट कॉलम अब बच गया इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब ये आपकी एक्सेल शीट तैयार होगी, लगभग इसके अंदर मुझे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, और क्योंकि मैं इसको रोज़ करता हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। आप भी जब इसको बनाना शुरू करेंगे तो शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी शीट को 2 मिनट के अंदर रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हर एक जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस समय 211 स्टॉक्स हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो कि इस शीट के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, उनके कितनी वॉल्यूम ट्रेडेड हुई वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर दिखाई दे रही है, और ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ वो भी आपको यहाँ पे अब सी कॉलम में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था सिंपल सा तरीका जिसकी सहायता से मैं ओपन इंटरेस्ट जो फिल्टर इस्तेमाल करता हूँ अपने स्टॉक सिलेक्शन में, उस शीट को प्रिपेयर करता हूँ। तो जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में कहा था कि मैं अपनी जो मास्टर शीट है जिसके अंदर मैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए सारा डेटा कंपाइल करता हूँ वो मैं आपके साथ एक आने वाले वीडियो में शेयर करूँगा, पर आज का जो ये वीडियो था इसके अंदर क्योंकि काफ़ी दर्शकों ने मुझसे पूछा कि आप हमें बताइए आप ओपन इंटरेस्ट की शीट कैसे बनाते हैं, जो ये वॉल्यूम के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो दोस्तों ये शीट इस तरीके से बनती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका बिल्कुल सिंपल लगा होगा। इसके अंदर कोई भी इस तरीके का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से ये एनालिसिस कर सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को ज़रूर क्लिक करें, या नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके परिजन भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें और वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।